नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते तारा भैया, दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। इस लेक्चर में हम लोग कार्य और भागीदारी के विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तो कार्य के विज्ञान की बात करें तो दिखता है कि कार्य द्वारा हम उत्पादन करते हैं, उससे हमारी सुविधा की आवश्यकता पूर्ति होती है, जिससे परिवार में समृद्धि होती है। तो यदि हम मानव लक्ष्य को देखें तो हर परिवार में समृद्धि का जो लक्ष्य है उसके लिए उत्पादन कार्य का अनिवार्य कार्यक्रम है, और संयम स्वास्थ्य का भी एक अनिवार्य कार्यक्रम है। संयम स्वास्थ्य के साथ हमें सुविधा की आवश्यकता की ठीक ठीक पहचान हो पाती है और हम ये तय कर पाते हैं कि शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए क्या कितना सुविधा जरूरी है। तो उत्पादन करने जाते हैं तो दो मुद्दों पे निर्णय होना जरूरी है। एक तो क्या उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है। क्या उत्पादन करना है तो अगर इसको देखें तो वही वस्तुएं जो शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग करते हैं, इससे हमें कितना उत्पादन करना ये भी तय हो जाता है कि शरीर के पोषण के अर्थ में कितना उत्पादन करना होगा, संरक्षण के लिए कितना उत्पादन करना होगा, सदुपयोग के लिए कितना उत्पादन करना होगा, उसकी मात्रा भी तय हो जाती है। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। तो इस विधि से करेंगे जिससे कि मानव के साथ भी पूरकता हो और प्रकृति के साथ भी पूरकता हो। तो प्रकृति के साथ पूरकता की बात करें तो प्रकृति में चक्रीयता है, जो परस्पर पूरकता है, उसको समझ के करेंगे ताकि वो उत्पादन प्रक्रिया चक्रीय बनी रहे, ताकि उत्पादन प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाई जा सके। और दूसरा कि उससे प्रकृति की हर इकाई समृद्ध हो, पहले से बेहतर हो। दूसरा, जिन मनुष्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनके साथ न्याय को सुनिश्चित करेंगे, तो पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली विधि को प्रयोग करेंगे। तो प्रकृति में देखें तो चक्र दिखाई देता है, इस पर कई बार बात हुई। तो प्रकृति के अवस्थाओं में देखें तो चक्र दिखाई देता है, और ये भी दिखता है कि इस प्रकार से क्रियाशीलता है हर अवस्था में किसी दूसरी इकाइयों को पूरक हो पाता है। तो यदि हम पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था के बीच में देखें तो चक्रीयता भी दिखाई देगी, पूरकता भी दिखाई देगी। जहां मिट्टी, हवा, पानी समृद्ध होते हैं, संपन्न होते हैं, वहां पेड़ पौधे भी अच्छे उगते हैं, और जहां पेड़ पौधे अच्छे प्रकार से उत्पाते हैं वहां मिट्टी, हवा, पानी भी संपन्न बनी रहती है। इस प्रकार से पूरकता दिखाई देती है। तो ये ऑलरेडी प्रकृति में है, इसको हमको क्रिएट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको समझना है, सिर्फ इसके अनुसार हमको जीना है। तो यदि हम इसको ठीक से समझ पाते हैं तो जो भी हम उत्पादन प्रक्रियाएं तैयार करते हैं वो इसी अर्थ में करते हैं कि इस चक्रीयता को, पूरकता को पूरा कर सके। तो ये प्रकृति की चारों अवस्थाओं में दिखाई देता है। ये दिखता है कि जो बाकी तीन अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे के लिए भी पूरक है, सहज रूप से मानव के लिए भी पूरक है। हम अभी नासमझी वश उनके लिए पूरक नहीं हो पाते, अपने मानव समाज के लिए भी पूरक नहीं हो पाते। हमने उत्पादन प्रक्रिया ही ऐसे बना ली हैं जो प्रकृति का दोहन शोषण करने के लिए बाध्य करते हैं। हमने इतना प्रदूषण कर लिया है, संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग कर लिया है, ये मानते हुए कि सुविधाओं से सुख मिलेगा, सुविधाओं से सम्मान मिलेगा, है ना। इसलिए अभी प्रकृति में हम जो हमारी भागीदारी है उससे प्रकृति छीन होती जा रही है, प्रकृति की अवस्थाओं में अव्यवस्था बनती जा रही है। उसका प्रमाण अपने को दिख भी रहा है चारों तरफ, जिस प्रकार की सूचनाएं रोज मिलती हैं, तो दिखता है कि हमने प्रकृति के साथ जो जीने का ढंग है अभी ठीक से निश्चित नहीं किया है। तो हमें सिर्फ इसको समझना है, और हमारे में जो कल्पनाशीलता है, हमारे में जो ज्ञान की क्षमता है, अगर हम उसका सदुपयोग करें तो बाकी तीन अवस्थाएं जितना पूरक हो पा रही है उससे ज्यादा हम पूरक हो पाएंगे। तो यदि विज्ञान की बात करें, कार्य के विज्ञान की बात करें, तो कार्य के विज्ञान में दोनों ही बातें शामिल होंगी, एक तो मानव में समृद्धि और दूसरा शेष प्रकृति में पूरकता, शेष प्रकृति की सुरक्षा। तो इस पर कल हमने डिस्कशन किया था कि मानव में समृद्धि का मतलब क्या हुआ, तो सुविधाओं की आवश्यकता की निश्चित पहचान हो जाए, उसको हम श्रम पूर्वक पूरा कर पाए, हम ऐसी प्रक्रियाएं प्रयोग करें जो चक्रीय हो और परस्पर पूरक हो, और साथ में ही जो हमारे साथी मिलकर काम कर रहे हैं उनके साथ हम न्याय सुनिश्चित कर पाए, जो उत्पादित वस्तु है उसका हम सदुपयोग कर पाए, और जो हम विनिमय करते हैं, कोष करते हैं, वो तो परस्पर पूरकता कर पाए। तो देखने में, तो कहने में तो ये
छोटी बातें हुई है ना, मतलब बहुत संक्षेप में बातें रख दी गई, बट इसको फैला के देखने जाएंगे तो इसमें जीने वाले भाग में बहुत सारा कुछ शामिल है जिस पे अपने को बारीकी से काम करना जरूरी है। तो अभी हम जो विनिमय भी कर रहे हैं, जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारी श्रम की प्रवृत्ति है, जो सुविधाओं की पहचान है, इन सब में काफी स्कोप दिखेगा आपको अपने परिमार्जन के लिए। वैसे ही प्रकृति सुरक्षा की बात करें तो प्रकृति की हर इकाई समृद्ध हो, हर इकाई पहले से बेहतर हो, है ना, संरक्षित रहे और उसका सदुपयोग हो। तो कार्य के विज्ञान की बात करें तो इन सारे मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम जैसा अभी कर बैठे हैं, ये अगर हम विज्ञान को सिर्फ सुविधाओं और उनके भी रूप गुण तक सीमित कर दें, ठीक, चैतन्य इकाइयों पर हमारा ध्यान न हो, चैतन्य की पहचान ही न हो, तो किसी न किसी रूप में मानव के साथ अन्याय भी होगा, शेष प्रकृति का दोहन शोषण भी होगा, और ये सब करके भी हम सुखी नहीं होंगे। अल्टीमेटली हम सुखी होना चाहते हैं। अभी सारे पूरे कार्यक्रमों को देखे तो हम मानव का दोहन शोषण करके, प्रकृति का दोहन शोषण करके भी अगर सुखी हो गए होते तो कहते कि कोई उपकार हुआ, वो भी नहीं हो पा रहा है। समस्याएं हम अपने आप में बढ़ाते जा रहे हैं, अपने लाइफ में बढ़ाते जा रहे हैं, परिवारों में बढ़ाते जा रहे हैं। तो इतना सारा पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद अल्टीमेटली हमें जो बेसिक इश्यूज है उस पर क्लैरिटी नहीं है, मानव की समझ नहीं है, प्रकृति की समझ नहीं है, और इसीलिए बहुत सारा मेहनत करने के बावजूद, रिसर्च करने के बावजूद, सूचनाओं के आदान प्रदान के बावजूद, अल्टीमेटली जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे कि हम सुखी हो पाए, समृद्ध हो पाए, वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आज के दिन विज्ञान की जो स्थिति है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो विज्ञान से जो अभी चल रहा है, जिसमें हम पदार्थ का रूप और गुण का अध्ययन करके उसको नियमों को पहचान करके हम कुछ यंत्रों को बना पा रहे हैं, उससे अगर आप ठीक से देखें तो दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन, इस तरह के जो आवश्यकताएं हैं, यानी दूर आना जाना, दूर की वस्तुओं को सुन पाना, दूर की वस्तुओं को देख पाना, इसकी तो सुलभता बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है। अभी हम घर बैठे बैठे अपने दैनिक कार्यक्रमों को करते करते एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, सही के प्रस्ताव को सुन पा रहे हैं, कहीं आना जाना हो तो उसमें भी हमारी सुलभता बढ़ी है। इतना तो हुआ है, पर इसका सदुपयोग अधिक हुआ है या दुरुपयोग अधिक हुआ है, ये देखने की बात है। तो शरीर के पोषण संरक्षण के लिए देखें तो हमारे पास पहले से ही बहुत आयात चीजें थी, उनका चूंकि हम न्यायपूर्वक नहीं जी पा रहे थे, व्यवस्था पूर्वक नहीं जी पा रहे थे, इसलिए उनका हम सदुपयोग भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो इतना जरूर हुआ है कि उनकी मात्रा बढ़ गई है, जो हम जितना भोजन पहले उत्पादन कर रहे थे उससे अधिक उत्पादन कर पा रहे, वो भी कुछ मामलों में कहना ठीक हुआ, कुछ मामलों में अभी भी कहना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है खेती से उत्पादन हम जो पहले कर रहे थे तो कहीं ज्यादा था, जो प्राकृतिक आवर्तनशील विधियों से उत्पादन कर रहे थे, अभी जो उत्पादन कर रहे हैं वो घट गया है। तो कुछ मामलों में बढ़ा है कि हमने बीजों में जो परिवर्तन ला दिया उससे कुछ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया, बट शेष वस्तुओं का उत्पादन अभी पहले से घट भी गया है। तो जो मुख्य रूप से प्रचलित विज्ञान की उपलब्धि है, अगर उसको देखें तो ये तीन प्रयोग बताए, दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन, इनके लिए तो सुलभता बढ़ गई है निश्चित रूप से, बट इसका सदुपयोग कितना हुआ है कहना मुश्किल है। शरीर के पोषण संरक्षण की अगर बात करें तो मोर और लेस लगभग उसी तरह की स्थिति है। हाँ, उसमें वेराइटी आ गई है, उसमें कुछ नवीनता आ गई है, बट अभी भी शरीर का पोषण हम ठीक से नहीं कर पा रहे, संरक्षण ठीक से नहीं कर पा रहे। और यदि सदुपयोग की समझ देखें तो ये प्रचलित विज्ञान से तो उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन होने की संभावना नहीं दिखाई देती। तो प्रचलित विज्ञान से सुविधाएं तो बढ़ पा रही है, बट सुविधाओं का सदुपयोग कैसे हो इसकी समझ नहीं बन पा रही, इसकी तैयारी नहीं हो पा रही। तो अगर अभी के विज्ञान की समीक्षा करें तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो हम लोगों ने कार्य के विज्ञान के लिए जो ध्यान देने योग्य मुद्दे हैं उसको पहचाना। अब देखें कि अभी प्रचलित विज्ञान से पूरा हो पा रहा है कि नहीं। तो ये मुद्दे हैं मानव समृद्धि को लेकर। तो इसे हम देखें अभी कि प्रचलित विज्ञान में क्या सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक से हो पाई है, क्या उत्पादन के लिए श्रम की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्या प्रकृति में जो चक्रियता है, पूरकता है, उसका निर्वाह ज्यादा ठीक से कर पा रहे, क्या मानव के साथ न्याय हम ठीक से कर पा रहे हैं, क्या
क्या सदुपयोग बढ़ा है, क्या विनिमय और परस्पर पूरक ढंग से हो पा रहा है, क्या कोष और आवश्यकताओं की पहचान के साथ हो पा रहा है, ये सब मूल्यांकन के बिंदु हैं। तो कहने को तो अभी हम लोगों ने पदार्थ के रूप गुण को पहचान कर बहुत सारा कुछ प्रगति कर लिया है, बट ये जो बेसिक इश्यूज हैं इसमें देखें तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है। सुविधा की आवश्यकता की पहचान में ही क्लैरिटी नहीं है। जब यहीं पे चूक हो गई तो आगे जो भी हम करने वाले हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसमें तो गलतियां होंगी, और अगर सुविधा की आवश्यकता की पहचान नहीं हुई है तो प्रकृति का भी दोहन शोषण होगा। जहाँ संवर्धन करना था वहां नहीं कर पाएंगे, संरक्षण करना था नहीं कर पाएंगे, सदुपयोग नहीं हो पाएगा ठीक से। इसके मूल में जो नासमझी है वो ये है कि हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं। जैसे हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं सुविधा को सुख मान ही लेते हैं, और सुख की निरंतरता के लिए हर बार कुछ नित नई सुविधा मिल जाए, उससे मिलने वाली संवेदना और रुचिकर हो और ज्यादा देर समय तक मिले, उसके लिए जैसे भी हमको सुविधाओं में वैरायटी लानी हो, मात्रा बढ़ानी हो, ये सब हम करते रहते हैं। तो इसको एक एक करके हम देख सकते हैं कि इन मुद्दों पे हमारा ध्यान ठीक से गया है कि नहीं। जैसे सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान, तो अगर हम पूरे प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को देखें तो ऐसा कोई कंटेंट हमको एजुकेशन नहीं दिखाई देता जिससे सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान हो पाए, क्योंकि मैं और शरीर की पहचान ही नहीं हो पाई है तो सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान भी नहीं हो पाती। तो जो प्रमोट किया जाता है वो तो उन्माद के अर्थ में, कि अधिक से अधिक हम भोग कर पाए, अधिक से अधिक हम संवेदनाओं से सुख ले पाए, और ये पूरे समाज के असर पर दिखाई देता है। अगर बच्चों की प्रवृत्ति भी देखें तो जो उनके अंदर लाभ की, भोग की, काम की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान ठीक से नहीं हो पा रही। जो श्रम पूर्वक उत्पादन करने की प्रवृत्ति है उसमें भी कमी दिखाई देती है। तो श्रम के प्रति जो स्वीकृति है वो दिन ब दिन घटती ही जा रही है शिक्षा के साथ। और ये भी दिख रहा है कि हर व्यक्ति अगर शिक्षा से गुजरता है तो एक व्हाइट कॉलर जॉब के लिए वो प्रयास करता है, और ऐसा मान लेता है कि भाई एक व्हाइट कॉलर जॉब में ज्यादा सम्मान है ना, क्योंकि तो इसमें शरीर से श्रम नहीं करना होता, शरीर से पसीना नहीं निकालना होता, सिर्फ लोगों को मैनेज करना होता है। तो इन मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी हमें जो शिक्षा मिल रही है उसमें हमने इन चीजों को सम्मान के साथ जोड़ लिया है जी, तो इससे जॉब की कमी भी हो रही है। अभी हम जो खुद से स्वावलंबी होने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कम होती जा रही है, और हम ऐसे जॉब्स को ढूंढने लगे हैं जिससे कि हमको श्रम ना करना पड़े, सिर्फ टेबल चेयर पर बैठ के हमारा काम चल जाए। बाध्यतावश हम श्रम करते भी हैं, बट अगर हम अपने आप में देखें तो उसके प्रति स्वीकृति धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारा काम अधिक से अधिक मशीनों के द्वारा हो जाए, अधिक से अधिक दूसरे के द्वारा हो जाए, इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। वैसे ही अगर हम चक्रीय कार्यक्रमों को देखें, पूरक कार्यक्रमों को देखें, तो उसमें भी कमी दिखाई देती है। अभी हम बहुत सारे एसाइक्लिक प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, इसलिए अगर हम देखें तो अभी जो जंगल है वो घटते जा रहे हैं, पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, खनिज लवण की कमी होती जा रही है ना, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। और इसके कारण देखें तो प्रकृति में जो प्रदूषण की समस्या है, संसाधनों के अभाव की समस्या है, वो बढ़ती जा रही है। ये भी देखें कि अभी हम लोगों के साथ न्याय को कितना सुनिश्चित कर पा रहे हैं। तो एक प्रचलित सी मान्यता हो गई है कि व्यवसाय करना है, अगर उसमें आगे बढ़ना है तो हमें कहीं ना कहीं दूसरे को धोखा देना होगा, ठगना होगा, और इस तरह कार्यक्रम से बने रहेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में अभी हमारा जो पूरा सोचने का ढंग हो गया है, जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया हो गई है, वो लाभोन्माद से ग्रस्त हो गई है। इनफैक्ट अभी आप देखें तो बहुत सारी चीजों के बारे में एक सामान्य रूप से स्वीकृति बन गई है, जिसको अगर ठीक से देखें तो ठगी है। अगले व्यक्ति को कुछ झूठ बोलकर, अगले व्यक्ति को वस्तु के बारे में गलत सूचना देकर हम उस वस्तु को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, और उसको हम अपनी कामयाबी मान लेते हैं, इसको अपनी सफलता मान लेते हैं कि नहीं। इसको चेक एंड बैलेंस के लिए बहुत सारे तरीके निकाले जाते हैं, बट एक सामान्य सी चूंकि एक स्वीकृति बन गई कि ऐसा होता ही है ना, इसलिए इस तरह की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है।
अभी आप पाएंगे कि पहले जिन चीजों को एक गलत रूप में देखा जाता था, जिसको इसकी भर्त्सना की जाती थी, आलोचना की जाती थी, अब एक सामान्य सी प्रक्रिया बनती जा रही है कि अगर आपको लाभ कमाना है तो आपको ये सब करना ही होगा, धोखा देना ही होगा, झूठ बोलना ही होगा, तो मानव के साथ अन्याय उसमें अनिवार्य से शामिल हो जाता है और उसके लिए विरोध करना होगा, उसके लिए दूसरों के साथ अन्याय करना होगा, इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके कारण समाज में समस्याएं हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे सदुपयोग की बात करें तो इसमें तो निश्चित रूप से कमी है। तो सदुपयोग की बात अगर हम करें तो सुविधाओं का सदुपयोग दिन ब दिन घटता जा रहा है। जैसे अगर कुछ समय पहले देखें तो घर में कोई कपड़ा अगर व्यक्ति पहन रहा है, अगर बच्चों की बात करें तो बड़े भाई का जो कपड़ा है वो जब छोटा हो गया उसके लिए तो छोटा भाई पहनेगा, छोटे भाई के लिए भी अगर छोटा हो गया या फिर प्रयोग लायक नहीं रहा तो घर में कहीं ना कहीं वो काम आएगा, किचन में काम आएगा, पोछा बनाने में काम आएगा। तो सदुपयोग को हम वहां तक करते थे जहां तक कपड़ा तार तार ना हो जाए, तो किसी प्रयोग लायक ना रहे। अभी आप देखिए तो इन बच्चों को जो हैंडसम पैकेजेस मिलते हैं, 45 लाख 50 लाख का जो एनुअल पैकेज मिलता है जॉब करने के साथ ही, शुरू करने के साथ ही, तो आप जरा देखें कि उनका जीने का ढंग कैसा रहता है, अपने कपड़ों का वो कितना सदुपयोग करते हैं ना। वो कोई बता रहा था कि ये जो एमएनसी में बच्चों को जॉब मिल जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने कपड़ों को धोते भी नहीं है, नया कपड़ा ब्रांडेड ले आए, एक बार दो बार तीन बार पहना फिर उसको छोड़ के रख दिया। हो सकता है कि बहुत सारे एजेंसी या एनजीओ होते हैं जो कपड़ा इकट्ठा करने काम करते हैं। एक साथी जो ऐसे ही किसी एनजीओ में काम करते थे, उन्होंने बताया कि बच्चे कपड़े धोते तक नहीं है, उसको कुछ बार प्रयोग किया और फिर वो दान कर देते हैं। दान इसलिए कर देते ताकि नया कपड़ा खरीद पाए, ताकि है ना घर में जो कपड़ा रखने की जगह है वो कम ना पड़ जाए। तो इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और खास तौर पर शिक्षा इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। हमको ऐसा लगता है कि उसी सुविधा को अगर हम पूरी तरह सदुपयोग करेंगे तो इसमें बहुत सारा समय व प्रयास लगेगा और इसमें वो रुचि नहीं मिलेगी, इससे वो संवेदना का सुख नहीं मिलेगा जो नई चीजों का प्रयोग करने में मिल सकता है। तो सदुपयोग की प्रवृत्ति है दिन ब दिन घटती जा रही है, यानी सब हम लोग सब चीजों से परिचित है। हाँ जी, ये जो सदुपयोग की बात हो रही है तो इसमें पानी का मुझे एग्जाम्पल याद आया, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो कहीं पढ़ा था कि ये पानी बेचने का जो बिजनेस है, ये पानी बेचने का बिजनेस नहीं है बट वो प्लास्टिक बेचने का बिजनेस है। और एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये पढ़ाया जाता है कि मतलब मैं खुद पढ़ा था 91 to 93 में, हमको ये सिखा गया था कि यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन थर्स्ट इंस्टिंक्ट, क्योंकि आदमी प्यासा होगा तो पानी खरीदेगा, अदरवाइज आपसे कोई 10 रुपए की बॉटल नहीं खरीदेगा। तो इट इज नॉट ए बिजनेस ऑफ सेलिंग वाटर बट इट इज अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्लास्टिक। उसी तरह से एक वो है टूथपेस्ट का है, वो एग्जाम्पल दिया जाता है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में हमको पढ़ाया गया था कि वो किसी ने इनोवेटर में ये ढूंढ के निकाला कि कैसे इसका कंजम्पशन बढ़ाया जाए, तो जो उसका टूथपेस्ट निकालने का जो छेद है, ओरिफाइस है, उसकी साइज उसने बढ़ा दिया। तो इस तरह के मतलब एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि कंजम्पशन को कैसे फ्लोराइड की कमी की बदले जो फ्लोराइड की अधिकता की वजह से दांतों की बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इस तरह का चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको वैल्यू एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की तरफ भी बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद जी। बढ़िया भैया, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। इसमें जो करने का काम है वो ये है कि हम अपने स्तर पर देखना शुरू करें कि हम सुविधाओं का सदुपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। इनफैक्ट एक ही सुविधा हम घर में खरीद कर ले आते हैं और उसके पूरे सदुपयोग की हम जिम्मेदारी ले लें, तो अगली बार अगर उस प्रयोग के लिए कोई नई सुविधा लानी हो तो आपको कई बार विचार करना पड़ेगा। एक बार फर्नीचर हम ले आए तो फर्नीचर जब तक टूट ना जाए, फूट ना जाए, और तब तक जब तक कि प्रयोग के लायक बना हुआ है तब तक हम उसे प्रयोग करना है, अगर ये निर्णय ले ले, तो अगली बार जब कोई आप फर्नीचर लाने जाएंगे अपने घर के लिए तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि आवश्यकता भी है कि नहीं। एक फर्नीचर भी आप ले आते हैं, एक तख्त ले आइए, दीवान ले आइए, 30 साल 35 साल उससे भी अधिक आराम से चलता है। तो अगर हम घर की वस्तुओं पे ध्यान देना शुरू करें कि हम उनका सदुपयोग ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, तो बहुत सारा स्कोप दिखाई देगा अपने जीने पे भी ध्यान देने के लिए, कि हम अपने जीने पे ठीक से ध्यान दें, हम अपने सुविधाओं के प्रयोग को ठीक से मूल्यांकित करें कि अभी हम कर पा रहे हैं कि नहीं।
वैसे अगर विनिमय कोष की बात करें तो अभी जो मोटिवेशन है विनिमय कोष के पीछे, ये परस्पर पूरकता नहीं है बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। इवन शोफन, ये जो स्टोरी ऑफ स्टफ वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे किसी वस्तु के कीमत को कम करने के लिए पूरे शोषण का एक चक्र बनाया जाता है, क्यों अफ्रीका के देश कंगाल बने हुए, क्यों वहां साधन विहीनता बनी हुई है और क्यों कुछ देशों में सुविधाओं की बहुतायत हो गई है। जो मैं आपको कपड़े के लिए कह रहा था, वैसे आज के दिन कई सारे देशों में कारों के लिए हो गया है, घर में प्रयोग किया जा रहा बहुत सारी वस्तुओं के लिए हो गया है, कुछ दिन प्रयोग किया उस पर डंप कर दिया। या NCR में भी अगर आप देखें तो एक फैशन सा बन गया है कि हर 2 साल में कार बदलनी है। यहाँ पर जो जमीनों की बिक्री के बाद परिवारों को मुआवजे मिले तो उन मुआवजे से जो पैसा मिला काफी अधिक मिल गया, तो कैसे प्रयोग करें, तो इन सब चीजों में प्रयोग हो रहा है। गाड़ियां खरीद ली, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली, अभी वो गाड़ी अच्छी चल रही है, अगले 10 साल और अच्छी चलेगी, तब तक 2 साल में एक नई गाड़ी बदल कर लिया है, या तो वो घर में ही कहीं रखा हुआ है या फिर हमने उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। अब वो एक के बाद एक है ना, इस तरह की सुविधाओं को बढ़ाने का, प्रयोग करने का प्रवृत्ति बढ़ता जा रहा है। उसके लिए विनिमय में बहुत सारी चूक हो रही है। हम एक गाड़ी को खरीदने के लिए जिस व्यक्ति से खरीद रहे होते हैं, इतनी बार हम उसकी बार्गेनिंग करते हैं, इतने प्रकार से उसके दाम को कम करने का प्रयास करते हैं, और ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि गाड़ी घर में है और अभी उसका प्रयोग पूरा नहीं हुआ है, अभी और कई सालों तक वो चल सकती है बट वो प्रवृत्ति नहीं बन पाती। तो जो विनिमय है उसमें लेन लेन की जो प्रवृत्ति है बढ़ती जा रही है कि नहीं, शोषण की जो प्रवृत्ति है बढ़ती जा रही है। वैसे ही अगर देखें तो संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि अगर सुविधा का सीधे सीधे संचय करना हो तो उसकी सीमा दिखाई देती है, बट यदि खाली नंबर्स में स्टोर हो रहा हो तो उसकी कोई सीमा नहीं दिखाई देती। तो ये जो अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त करना है दूसरे से अधिक सुविधा का संग्रह करना है, वो भी आज के दिन प्रचलित विज्ञान जो है उससे इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इन सब चीजों से हम लोग परिचित हैं, है ना, इसकी जितनी भी समीक्षा की जाए कम है, तो इसमें हम लोग अगर फैला कर देखें तो बहुत सारा स्कोप दिखाई देगा। और इसमें जो करने का काम है, तो ये हो सकता है कि हमने समाज की समीक्षा की, आलोचना की और हमारा काम पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमको अपने जीने में देखना है। इनफैक्ट एक करने योग्य काम ये है कि घर में जितनी सुविधाएं हैं उनकी हम एक सूची बना लें और फिर देखें इन सुविधाओं का हम प्रयोग ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। कितनी सुविधाएं ऐसी हैं जिनका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे फिर भी हमने उसको संचित करके या संग्रहित करके रखा हुआ है। ये भी हम देख लें कि अगर हम जितने लोग परिवार में रह रहे हैं उनके लिए सुविधाओं की कुल आवश्यकता कितनी है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे बहुत ज्यादा हमने संग्रह कर लिया है। तो अगर हमको मानव लक्ष्य समझ में आता है उन सुविधाओं को हम सदुपयोग कर सकते हैं मानव लक्ष्य के अर्थ में। वैसे ही प्रकृति की बात करें, अगर मूल्यांकन करें आज के दिन, तो प्रकृति के संवर्धन की बात करें तो आज हमारे फोकस में नहीं है, बल्कि हम प्रकृति का दोहन करने के लिए तैयार बैठे हैं और उसके नए नए तरीके निकाल रहे हैं, नए नए प्रकार के बहाने बना रहे हैं ताकि किसी प्रकार हम और दोहन कर पाए। तो जंगल को हम काटते जा रहे हैं, पानी का हम प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं। हमें दिखाई दे कि जिस पानी को हम रोज पी रहे हैं वो जहां से आ रहा है वो संवर्धित हो रहा है कि नहीं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन बना हुआ है वो संवर्धित हो रहा है कि नहीं, जिस मिट्टी से हम खाने की वस्तुएं ले रहे हैं वो संवर्धित हो रही है कि नहीं, मिट्टी पहले से अधिक उपजाऊ बन रही है कि नहीं, पानी के स्रोत पहले से और बेहतर होते जा रहे हैं कि नहीं। तो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं है, है ना, बल्कि अधिक से अधिक हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर पाए और उस पूरे प्रोसेस में देखें तो अल्टीमेटली हम ही सफर करते हैं। जैसे अभी जो हम खेती कर रहे हैं, जिस विधि से कर रहे हैं, एक तो पहले हम केमिकल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग बढ़ा दिए। अगर हम अपने देश में भी देखें तो एक समय था जब हम अपने देश के लिए आवश्यकता के अनुसार भोजन उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो क्यों नहीं कर पा रहे थे उसका भी इतिहास है, क्योंकि अभी से अगर हम 200 साल पहले देखें तो जिस प्रकार से हम खेती कर रहे थे उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो भोजन का उत्पादन है, अनाज का उत्पादन है, पर्याप्त मात्रा में हो रहा था। परंतु आजादी के बाद एक ऐसी स्थिति बनी कि अनाज का उत्पादन आवश्यकता के अनुसार नहीं हो पा रहा था। तो एक समय हमको आवश्यकता लगी और हमने यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, और
एक उपलब्धि ये तो रही, कम से कम जो हमारे देश में लोग भूखे मर रहे थे वो स्थिति रुकी, लोगों को भोजन का अभाव कम हुआ, भोजन उपलब्ध होने लगा। परंतु उसके बाद हम उस प्रक्रिया को रोक नहीं पाए। अब जहां हमें ये जरूरत थी कि ठीक है एक बार ये भोजन इतनी मात्रा में उपलब्ध हो गया जो हर एक की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, तो अब हम प्रकृति के पोषण के लिए फिर से विचार करें, प्रकृति के पोषण पर ध्यान दें, वो भी हमने नहीं किया। इसलिए अभी दिखाई दे रहा है कि कई ऐसे भूभाग हो गए हैं जहाँ पे मिट्टी बंजर हो गई है, और जिस विधि से हम खेती करते रहे उसको खा पी कर लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है। ऐसी बीमारियां जो पहले रेयरली सुनने में मिलती थी, पंजाब में अगर आप देखें तो जहां जहां ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत खेती हुई और बहुतायत मात्रा में वो केमिकल्स का प्रयोग हुआ, वहां पाएंगे कि अगर परिवार में तीन पीढ़ियां रह रही हैं तो तीन पीढ़ियों में कम से कम एक पीढ़ी में एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है ही। तो इन सब चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि अभी हम जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं। तो अभी हम जिस तरह से खेती कर रहे हैं तो जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा रही है। संरक्षण की बात करें है ना, तो अभी हम वही जो फर्टिलाइजर्स वगैरह को डालकर खेती करने की बात है, और कई बार इससे जो भूमि की उर्वरा शक्ति में गिरावट आती है और जिससे बीमारियां तैयार होती हैं। जैसे भटिंडा डिस्ट्रिक्ट का अगर उदाहरण देखें तो उसमें ये दिखाई देता है। वैसे सदुपयोग की बात करें तो है ना, उसमें तो कमी आई ही है। इसके लिए कई सारे उदाहरण हम लिए कि अपने श्रम को कम करने के लिए और संवेदनाओं का सुख पाने के लिए हमने सदुपयोग को काफी कम कर दिया है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ओवर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखिए तो इंटरटेनमेंट के लिए है ना, मौज मस्ती के लिए कितने सारे हम सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अभी अगर हम बाय एयर जो हम ट्रैवल करते हैं ना, उसका पर्पज भी देखिए कि बाय एयर हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट ले रहे हैं, उसका पर्पज क्या है? क्या हम व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं या बिना समझे हुए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, संवेदनाओं का सुख पाने के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक फ्लाइट में भी कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, उससे कितना प्रदूषण तैयार हो रहा है, ये देखने की बात है। घर में जिस प्रकार से हमने घर को बना लिया है, बिना एयर कंडीशनिंग के घर में रहा ही नहीं जा सकता, और दिन भर रात भर अगर हम एसी चलाएं तो हम ये देख सकते हैं कि प्रकृति का कितना दोहन शोषण होने वाला है। तो एक एक मुद्दे पर फैला कर देखने की जरूरत है। इससे एक अच्छी बात यह होगी कि आपके अंदर एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बनेगा कि एक मानवीय समाज कैसा हो, उसमें क्या चीजें हो क्या चीजें नहीं हो, और अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आगे चलने की दिशा दिखाई देगी। तो उसका फल परिणाम ये रूप में दिखाई देता ही है कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, संसाधनों का अभाव होता जा रहा है। तो संसाधनों का अभाव का मतलब ये हुआ कि संसाधन को हम इस गति से प्रयोग कर रहे हैं जो प्रकृति में उसके पैदा होने की गति से ज्यादा है। जैसे अगर हम जंगल काटते जाएं और पेड़ न लगाएं तो पेड़ों का अभाव हो जाएगा। हम मिट्टी से खेती करते जाए, उत्पादन करते जाए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति उस तेजी से बढ़े नहीं तो भी संसाधन का अभाव होगा, है ना। वैसे ही हम कोयला पेट्रोलियम आदि निकालते जाए और उतनी तेजी से धरती के अंदर बने नहीं तो भी संसाधनों का अभाव होगा। दूसरी समस्या जो प्रदूषण की है, तो हम ऐसी चीजें बना दे रहे हैं जो प्रकृति में वापस नहीं लौटती या लौटने में इतना ज्यादा समय लगाती है, मतलब हमने वस्तु ही ऐसी बना ली है कि वो प्रकृति में आता लौटेगी नहीं, ये लौटने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और हम इतनी तेज गति से पैदा कर रहे हैं, उतनी तेज गति से प्रकृति में लौट ही नहीं सकता। जैसे अगर हम रिएक्टर्स देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, पावर की जिस तरह से जरूरत बढ़ती जा रही है, अब हम न्यूक्लियर पावर पर डिपेंड करते जा रहे हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो रिएक्शन हो रहा है वो ये साइक्लिक है। हमने यूरेनियम 238 और 236 बना दिया तो दोबारा 238 तो बनेगा नहीं। वैसे हमने इतना सारा प्लास्टिक कंज्यूम कर लिया, प्लास्टिक को हमने वेस्ट की तरह डिस्पोज ऑफ कर दिया, और उसको हम नेचर में वापस हम रिसाइकल ना करें, इसके लिए व्यवस्था ना करें, तो समस्याएं तो बढ़ेंगी। तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों ही जो समस्याएं हैं वो इस तरह के प्रोसेस के कारण है, जो या तो ये साइक्लिक है, प्रियता नहीं है उनमें, या फिर वो परस्पर पूरक नहीं है। बट इन समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को ठीक से समझना शुरू करें और ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाना शुरू करें जो कि चक्रीय हो और परस्पर पूरक हो। भैया ये बढ़िया अच्छा चल रही है, श्रमदान जो चल रहा है,
तो भैया अभी एनईपी में जो सिलेबस बन रहे हैं यूएचवी के, या फिर हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी ने कुछ सिलेबस बनाए हैं अभी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है या यूएचवी है, तो उसमें भैया आप एक्टिविटी बेस्ड 15 मार्क्स रखे, 30 मार्क का अगर उनको मार्क्स भेजने हैं तो 15 मार्क एक्टिविटी में रखे। तो ये एक्टिविटी जब तक बच्चा श्रमदान नहीं करेगा, आदर इट में भी प्लांटेशन, वो झाड़ लगाए, कुछ स्वच्छता करे या कुछ नया श्रमिक सोचे, तो ये ऐसा हो सकता है भैया सारे देश में? प्लीज थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे नियम भी बनाए जा सकते हैं, बट एसेंस में ये है कि जब तक हम मूल्य शिक्षा पे ठीक से काम नहीं करेंगे, जब तक बच्चों की समझ विकसित करने का काम नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें एक समय तो बहुत उत्साह में की जाती है फिर रुक जाती है। हमको दिखाई दे कि मेरा सुख इसी से है, हम वही करते हैं जिसमें सुख लगता है, तो यही मेरे सुख का आधार है। अगर हमको ऐसा दिखाई दे तब तो हम उसको ठीक से पूरा कर पाते हैं, अगर हमको न दिखाई दे, सुख से जुड़ा हुआ न दिखाई दे, तो फिर हम उसको पूरा नहीं कर पाते। कैसे हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं, अभी किए भी जा रहे हैं, जैसे अभी आप सरकार की तरफ से देखें, अभी कुछ ही दिन पहले एक मैसेज आया है कि हर बच्चे को एक पेड़ लगाना है। यस, एक बच्चा एक पेड़, बढ़िया भैया, एक अच्छा इनिशिएटिव है। बट यदि हम पेड़ों के साथ अपने जुड़ाव को न देख पाए तो ये प्रोविजन तो क्रिएट हो जाते हैं, नियम बन जाते हैं, बट उसका पालन नहीं हो पाता। अभी हमने जीने का ढंग भी ऐसा बना लिया है कि पेड़ लगाने भी जाए तो आप कहाँ लगाएंगे, लगाने की जगह भी नहीं। तो शहरों में आप देखें तो अगर आप एक निर्णय भी ले लें कि हमें पेड़ लगाना है तो लगाने की जगह नहीं है, सब जगह तो हमने मकान बना लिए है ना। सड़कों को भी हमने इस तरह से बना दिया है कि रिहायशी इलाकों के लिए जो जगह छोड़ी थी उतना हमने छोड़ा और बाकी पे सड़क बना दिया हमने, तो वहां भी जगह नहीं मिलती। अच्छी बात यह भी है कि कई शहरों की प्लानिंग अब इस ढंग से हो रही है कि सड़कों किनारे पेड़ लगाने के लिए जगह क्रिएट किया गया, उस सरकार विधिवत लगा भी रही है ना जी भाई, उसमें और ध्यान की जरूरत है। कई शहरों में इसका प्रोविजन नहीं क्रिएट हुआ है, ये सारी सीमाएं बन गई हैं। बट देखिए, जब भी हम ध्यान देंगे तो हम इन चीजों की योजना बना ही सकते हैं कि वनों का संरक्षण कैसे हो। कुछ कंपनीज भी जो है वो फॉरेस्टेशन के लिए काम कर रही है, CSR करती है भैया, CSR फॉरेस्टेशन का काम कर रही है, जहां वनों की कमी हो गई है वहां वन फिर से लगाए जा रहे हैं। तो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बट अल्टीमेटली अगर हमको प्रकृति के साथ अपना संबंध दिखाई दे तभी ठीक से पूरा हो पाएंगे, अन्यथा वो समस्याएं बनी रहेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया एक छोटा सा, एक मिनट लूंगा मैं, ये जो पेड़ लगाने के बारे में मतलब जनमानस में जो है, या जो हम लोग अभी काम कर रहे गए 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ सभी, तो लोगों का कहना है कि ये झाड़ क्यों लगा दिए, तो कचरा क्रिएट कर रहा है, इतना अच्छा जो है उसके ऊपर सवेरे सवेरे पूरा का पूरा, जैसा गुलमोहर का ट्री है तो वो पूरा का पूरा कचरा बिछा होता है, तो उनको ये समझाना या उनकी समझ थोड़ी बढ़ानी है कि भैया वो कचरा भी तो झाड़ के उसका कंपोस्ट करो ना, लेकिन तुम प्रकृति को क्यों दोहन करना चाहते हो झाड़ तोड़ के। तो ये भैया थोड़ा सा मुझे कहना था कि श्रम के बारे में बच्चों में अगर अपने ला लिया तो अगली पीढ़ी कुछ सुधर सकती है। जी भैया जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कचरा नहीं है जो पेड़ों से गिर रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, फल गिर रहे हैं, कचरा नहीं है। बेसिकली हुआ ये है कि जहाँ पेड़ लगे हैं उसके नीचे अगर हम कॉन्क्रीट लगा दें तो आपस मिट्टी में जाते नहीं है, तो हमें उतनी जगह छोड़ी है जितना पेड़ के जड़ के लिए जरूरी है, बाकी जब हमने कॉन्क्रीट बिछा दिया तो कचरा लगता है, उतनी दूर में अगर मिट्टी रहे कचरा नहीं लगेगा जी, तो वो अपने आप कंपोस्ट हो जाएगा। और यही यही बहुत सारे लोगों में अपनी करना है कि लोग अननेसेसरी कंक्रीटिंग का यूज कर रहे हैं। तो जी भैया बहुत बढ़िया चर्चा, धन्यवाद भैया। भैया मैं एक चीज ये किया था जो हमारा श्रम है ये पांचों आयाम से हम जोड़ सकते हैं क्या इसको, जो हमारे हमने शुरू में डिस्कस किया था, क्योंकि अगर हम श्रम करेंगे तो मुझे लगता है जो हमारा विनिमय है वो भी जो आज का विनिमय है उससे डिफरेंट होगा, है ना। वही मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए कम से कम इतना श्रम तो जरूरी है, जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कम से कम 3 घंटे 4 घंटे का श्रम जरूरी है, शरीर से पसीना निकालना जरूरी है, तो पूरा हमारे जीने का ढंग बदलेगा। अभी इतना ही देख लें कि अभी जितना हम गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं आसपास के जगहों पे जाने के लिए, है ना, अगर उसमें हम पैदल चलना शुरू करें, साइकिल से चलना शुरू करें, तो वो भी एक श्रम है ना। अभी हम जो जिम में वॉकर पे चलते हैं
और बाहर समाज में हम पैदल नहीं चलते, साइकिल नहीं चलाते, उसको हमने अपमानजनक मान लिया है, तो अल्टीमेटली उससे शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है और सुविधाओं का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। अभी कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा है और काफी अच्छे से साइकिलिंग हो रही है, लोग साइकिलिंग का अपनी दिनचर्या में रेगुलर प्रयोग करते हैं। अगर हम कुछ देशों को देखें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, नीदरलैंड, आइसलैंड, इस तरह के देशों को देखें, तो साइकिल का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो साइकिल का प्रयोग बहुत आयात रहा है ना, इसके अनुसार हमें व्यवस्थाएं बनानी होंगी भैया। वो राइट अंडरस्टैंडिंग की जो बात है, जी जी, जो राइट अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, कि हम लोगों ने एक ऐसी मानवीय परंपरा में डाल दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर साइकिल से चल रहा है तो उसका अवमूल्यन किया जाता है, तो उसमें एक अपनी रिस्पेक्ट से जोड़ने की बात आ जाती है कि हम साइकिल से चल रहे हैं, स्कूटर से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं और महंगी कार से चल रहे हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट किस में है। तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता है ये जो श्रम वाला पार्ट है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, मतलब हो ही गया विलुप्त। तो अभी मैं अपने आप को देखूं तो मतलब कॉलेज जाना है, फिर वहां पैदल चलना है, तो हम एक तरह से श्रम तो तभी होगा ना जब हम उपार्जित कुछ करेंगे भैया, कुछ हम श्रम करके उससे उत्पादन करें शेष प्रकृति के साथ, श्रम वही हुआ ना। या हाँ, जैसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी क्या ये श्रम मानेंगे अपने आप को? वही, इसमें दो भाग हैं। अगर हम उत्पादन की प्रक्रिया को सिखा रहे हैं तो उस पूरे उत्पादन प्रक्रिया में हम भागीदार तो हैं ही, है ना, और हमारा शरीर से थकता भी है तो निश्चित रूप से उसमें भी श्रम शामिल है, तो इस पूरे उत्पादन प्रक्रिया में वो जुड़ा हुआ है। बट हम सीधा सीधा शेष प्रकृति पे नहीं काम कर रहे, मनुष्यों के साथ काम कर रहे हैं। उसमें भी हम देखें तो अगर हम बोर्ड वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो वहां पे भी श्रम तो है, परंतु और हम पूरे उत्पादन प्रक्रिया में भागीदार नहीं है, परंतु इसकी इतनी आवश्यकता भी है कि नहीं, ये तय करने का मुद्दा है। तो स्किल्स को सिखा रहे हैं तो वहां तो श्रम हम कर रहे हैं ना? अगर हम समझ और भाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो वहां पे हम एक तरह से व्यवहार कर रहे हैं दूसरे के साथ, तो शरीर का प्रयोग वहां भी है, बट उसको कार्य के लिए श्रम की श्रेणी में रखना ठीक नहीं है। तो यहाँ भी श्रम है, परंतु हो ये रहा है कि चूंकि सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान ठीक से नहीं हो पा रही है, प्रकृति के साथ संबंध की पहचान ठीक से नहीं हो पा रही है, तो जो सीधा सीधा श्रम करके उत्पादित कर सकते थे हम वस्तुओं को, वो हम नहीं कर पा रहे, और इसलिए प्रकृति का दोहन भी बढ़ता जा रहा है, मनुष्य का दोहन भी बढ़ता जा रहा है। अभी हम जितना फूड का प्रोसेसिंग करते हैं इसकी जरूरत भी है कि नहीं, फिर फूड प्रोसेसिंग को हम लेकर बहुत सारे टेक्निक्स पढ़े और पढ़ाएं, उसमें श्रम तो कर रहे हैं बट उतने फूड प्रोसेसिंग की जरूरत भी नहीं है, मल्टी लेयर प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम फूड का, जो हम सीधे सीधे अनाज को खा सकते हैं उस अनाज को हम तीन बार चार बार प्रोसेस करके खा रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है, नहीं जरूरत। और उसके अंदर इतने केमिकल्स ही मिला देते हैं कि जो हमारे टेस्ट बड्स को इनिशिएट करते हैं, बस और कुछ इसमें न्यूट्रिशनल डेवलप कर रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जी, है ना। वैसे ही हम जो सिंपल कॉटन के कपड़े भी पहन सकते थे, उसकी जगह हमने इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना दिए, और फिर उसके लिए हम शोध करें, याद करें, डिजाइनिंग करें, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो श्रम तो वहां भी कर रहे हैं जहाँ क्लासरूम में हम बच्चों को स्किल डेवलप कर रहे हैं, बट वो स्किल्स कितने आवश्यक या अनावश्यक है इसका मूल्यांकन होना जरूरी है। अगर इसका मूल्यांकन ठीक से करेंगे तो सीधे सीधे श्रम करके भी हम उत्पादन कर सकते हैं, तो भी हमारा ध्यान जाएगा। जी भैया, थैंक यू। जी भैया, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं कुछ प्रकृति के बारे में जो देखा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो मनुष्य है कुछ समय से सिर्फ प्रकृति में या जीव जंतुओं में सिर्फ अपना लाभ देख पा रहा है। मेरे यहाँ लोग आएंगे तो जब आम फलते हैं तो लोग आएंगे और दाढ़ी उनकी डालियां तक तोड़ने का प्रयास करेंगे, कभी कोई चीज अगर बेर आ जाएगा तो बेरी के नीचे झाड़ देंगे और उसका, तो अभी प्रकृति को हम पूर्णता में नहीं देख पा रहे हैं, अभी हम सिर्फ उसे लाभ के रूप में देख रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनी है ये कहीं ना कहीं मानव के ही समझ से जुड़ी है। बाकी प्रकृति को अगर देखें तो प्रकृति तो चक्रीय क्रम में है, और किसी भी जगह को आप छोड़ दीजिए, अभी मैंने 2 बीघे के खेत में एक पूरा अपना प्रयोग किया है, उसमें
कोई भी और ना हल चलाते हैं, जैसे कल आप फोकोकोआ की बात कर रहे थे, वो सेम प्रयोग है। उसमें वृक्ष लगे हुए हैं, आंवले लगे हैं, आंवले के नीचे और पेड़ जम रहे हैं, पक्षी आते हैं तो वहां बीज बो देते हैं, मतलब उसको कोई मानव टच नहीं है उस जगह पर। और हम देख रहे हैं कि जाने कितनी प्रकार की नस्लें जो नहीं भी लगाई हैं वो नस्लें पक्षी ले आए हैं। तो अगर हम धरती को के परिवेश को समझेंगे और वैसी परिस्थितियां विकसित कर देंगे तो जंगल तो स्वतः ही होता है, उसके उसको हमें समझने की जरूरत है। तो ये शिक्षा धीरे धीरे जैसे जाएगी और हम प्रकृति की चक्रीयता को समझ पाएंगे तो निश्चित है कि हम फिर से धरती के की धरती की जो चक्रीयता है उसको भी हम समझ पाएंगे। तो ये भैया मैं शेयर कर रहा था। जी बढ़िया भैया। तारा भैया ने एक लिंक शेयर किया कि कैसे अपने घर के पीछे हम एक जंगल बना सकते हैं। YouTube पे वीडियो उपलब्ध है और उसी जब लिंक को आप क्लिक करेंगे तो कई और वीडियो भी आपको दिखाई देंगे। तो अगर हमारे पास ऐसा अवसर है कि हमारा जहाँ घर है वहाँ बैकयार्ड में थोड़ी जमीन है तो हम देखें कैसे उसको जंगल का रूप हम दे सकते हैं। हम बालकनी में कैसे कुछ और खेती की चीजें सोच सकते हैं, खेती के नए नए तरीके निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों पर हम ध्यान दें तो हमारे लिए एक तो प्रकृति से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। ये जो हमारे को बहुत सारा खाली समय काटने के लिए इंटरटेन करना पड़ता है अपने आप को, अगर हम इन चीज़ों से जुड़े तो उन समय का सदुपयोग भी ठीक से हो सकता है। आप इन्हीं क्या जाए और कहें कि हमने घर के पीछे खेती की और ये लौकी है ना तैयार हुआ है हमारे घर में, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो अगला व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा आपकी वस्तु को लेकर। भैया एक छोटा सा सीधा सा क्वेश्चन है, जब भी हम किसी से किसी के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव जो चीजें हैं उसी के बारे में बात करते हैं। बतौर एग्जांपल ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो स्टोरी ऑफ स्टफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम जो जीवन विद्या की जो भी पायने मतलब जो भी सुनते हैं वो नेगेटिविटी को ज्यादा दर्शा रहा है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लेकिन हम विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं बोल के मुझे लगता है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि हर दिन जैसे अखबार खोलेंगे तो किसी न किसी दुर्घटना की बात होती है, वैसे ही हमारी बातचीतों में मतलब मैं तो ज्यादा जुड़ा नहीं हूँ, जितना कुछ भी मैं सुन रहा हूँ हर दिन मुझे तो नेगेटिव बात की बात होती रहती है और दिखती भी रहती है। ऐसी कोई बात नहीं कि आप बोल रहे हैं और नहीं दिख रही। तो ये जो जीवन विद्या में जो प्रमोट करने की बात आपने आइसलैंड में वो जो साइकिलिंग की बात करी थी, ये जो प्रमोशन में कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है, ये हम उसको प्रमोट किसी को नीचा दिखा के क्यों कर रहे हैं, मतलब जो है उसको बात कर रहे हैं। वैसे मैं नकार रहा नहीं हूँ लेकिन इसकी अफर्मेशन और विजुलाइजेशन मेरे को कहीं भी दिख भी नहीं रही है। ऐसा मेरे को लग रहा है कि आपको भी लगता है। इसीलिए मैंने जब भी ये बात रखी, देखिए अभी चूंकि सामने हम कुछ समीक्षा ही कर रहे हैं और आज ही किया जा रहा है, रोज तो नहीं किया जा रहा है, तो आज चूंकि हम लोग प्रचलित विज्ञान की समीक्षा यहाँ रखे हैं इसलिए इन बातों को किया गया। और अभी भी मैंने इसलिए कहा कि हम अपने स्तर पे देखना शुरू करें कि हम कैसे सदुपयोग को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम संरक्षण को बढ़ा सकते हैं, कैसे सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान को ठीक कर सकते हैं। हम अपने स्तर से देखें कैसे हम पैदल चलना बढ़ा सकते हैं, साइकिल पर चलना बढ़ा सकते हैं, ईंधन का प्रयोग कम कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग कम कर सकते हैं। ये बात अपने आप में देखने योग्य है। तो इस पे हम ध्यान दें तो हमको अपने लिए बहुत सारा अवसर मिलेगा संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए। और हमको ये भी दिखाई जाएगी सुविधा की आवश्यकता सीमित है, उससे अधिक उपलब्ध अगर है मेरे पास तो जो शेष समय है हम व्यवस्था भागीदारी की लगाएंगे, इस पर तो रोज ही बात हो रही है। तो कुछ उदाहरण जो हम लोग ले सकते हैं, दूसरों सीख सकते हैं, जैसे यही कि अपने घर के पीछे जंगल कैसे लगाएं, है ना, कैसे हम साइकिल का प्रयोग बढ़ाएं, ठीक, अपने कॉलोनीज का डिजाइन कैसे ऐसे करें कि पानी का संरक्षण हो, इसमें तो बहुत सारा क्रिएटिविटी है, ध्यान देने योग्य है। तो इस पर हम लोग सोचना शुरू करें, हम जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ हमारी भागीदारी कैसे हो सकती है प्रकृति की पूरकता के अर्थ में, उसको हम ध्यान देना शुरू करें कि नहीं। तो हम ये सारी समीक्षा का उपकार ये होता है कि इससे हमको अपने ध्यान देने के अवसर बढ़ जाते हैं, हमको दिखता है कि हाँ इतना सारा स्कोप है हमारे काम करने के लिए। तो जो प्रसिद्ध विज्ञान है उससे जो हम रूप और गुण पे केंद्रित हो गए, वो भी सुविधाओं के पदार्थ के, उसे चूक होनी स्वाभाविक है। तो अगर हम ये देख पाते हैं कि मानव लक्ष्य क्या है
और उसके साथ अपना मूल्यांकन कर पाए, सिर्फ समीक्षा नहीं, तो हमको आगे की योजना कार्यक्रम भी दिखाई देता है, तो उसको हम ध्यान से देखें, उस पर काम करें। ठीक है भैया, इसी रोशनी में आप सेल्फ के ऊपर भी कैसे इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं वो भी एक टिप्पणी कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो प्रमोट करते हैं एडवर्टाइजमेंट होती है वो सेल्फ के ऊपर होती है, लेकिन प्रोडक्ट को बेचते हैं, मतलब इमोशंस को ही, फीलिंग्स को ही टच करते हैं वो, लेकिन हमारे पास वो नहीं है तो हम उस पे उसके लिए क्या बोल रहे हैं, हमको छूट रहा है बोल के ऐसा लगता है, तो सेल्फ के ऊपर भी हम इसको कैसे अफर्म करें उसको भी थोड़ा एक टिप्पणी कर दीजिएगा। आई एम नॉट यूजिंग राइट वर्ड्स बिकॉज आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद हिंदी, डोंट टेक मी रॉन्ग। तो बेसिकली अभी जो एडवर्टीजमेंट है वो सेल्फ के ऊपर नहीं है, बेसिकली वो तो संवेदनाओं से सुख पाने के ऊपर है, या दूसरे से मिलने वाले भाव से सुख पाने के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स की जिस तरह से आते हैं। तो ये तो डे वन से बात हो रही है कि सुख स्वभाव है ना कि कोई प्रभाव है बाहर का। तो हम स्वयं में जब संबंध का चिंतन कर पाते हैं, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित कर पाते हैं, अनुभव तक पहुंच पाते हैं, तो सुख का स्रोत पूरी तरह से स्वयं में दिखाई देता है, बाहर नहीं। तो जो करने का काम है वो ये है कि अभी हम इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि सुख का स्रोत भीतर नहीं है, तो सुख के स्रोत को हम भीतर जागृत करें, अपने अंदर सुनिश्चित करें, ज्ञान के आयाम पे काम करें। उसी के लिए तो ये पूरा कोर्स डिजाइन है कि हम कैसे मानव का ज्ञान को सुनिश्चित करें, अस्तित्व के ज्ञान को सुनिश्चित करें और अस्तित्व की भागीदारी के ज्ञान को सुनिश्चित करें, ताकि जो बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का प्रयास है इससे निकल पाए। तो बस मैं एक छोटा सा शेयरिंग रख रहा था कि हम लोग इस सत्र में जो भी बातें कर रहे हैं, जो आपने अभी भी जो विषय रखा, तो मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि अभी ये जो UHV के जरिए या हम लोग स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए जो ये सब बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय भी कई ऐसे विषय आते हैं या हम लोग कॉलेज में भी चर्चा करते हैं, तो पिछले 4-5 सालों से मैंने एक और एक विषय थोड़ा साथ में लिया है कि स्ट्रेंथनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मैं जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेता हूँ मेरे डिपार्टमेंट में, जब बच्चे आते हैं या और कहीं जगह पर भी मैं जाता हूँ, तो अभी मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ कि पहले तो हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बढ़ाए इसके बारे में भी अभी शिक्षा देना जरूरी हो चुका है। जैसा कि अभी एक सर ने बताया कि हम लोग हमारे अखबारों में भी पढ़ते हैं या हमारे आसपास में भी जो एडवर्टाइजमेंट और ये सभी चीजें आते हैं वहां पर भी कई सारी निगेटिव चीजें एक्सप्लॉइट की जाती है, और जिसके जरिए फिर हमारे विचार या आचार इसमें भी उसका प्रभाव होता ही है। तो आज की पीढ़ी के लिए ये भी चीजें बताना जरूरी है कि हमारा फोकस कैसे ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग पॉजिटिव चीजों पर यदि रखते हैं, तो अपने आप से कई सारी निगेटिव चीजों से हम लोग दूर होके जो हमारा UHV के शिक्षा का जो हमारा मकसद है कि हम लोग हमारे सह अस्तित्व को कैसे बनाए रखे या हमारे प्रकृति के साथ में हम लोग कैसे जिए, इस पे भी थोड़ा सा काम हो सकता है। और उसमें फिर मुझे दूसरा ये लगता है कि अभी हम सभी लोग जानते हैं कि हालांकि सभी जितने हमारे हायर एजुकेशन के कोर्सेस है उसमें EVS का जो समावेश है वो कर दिया गया है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं कई सारे कॉलेज में देखता हूँ कि EVS विषय को भी बिल्कुल भी सीरियसली लिया जाता नहीं है। जैसे तैसे हम लोग उसके कुछ लेक्चर्स लेके स्टूडेंट के लिए छोड़ देते हैं कि वो उसके अंदर अपना स्कोर कर ले या परीक्षा दे दे, पास हो जाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे जो उसमें हम लोग कुछ काम कर सके इस लेवल तक का उसको नहीं पढ़ाया जाता। तो मुझे लगता है कि इन सेशनों में हमको ये भी चर्चा होनी चाहिए कि EVS का भी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यदि अच्छी तरह से स्ट्रेंथन करते हैं हमारे महाविद्यालयों में, तो उसके जरिए भी जो हमारे UHV के शिक्षा में हमारा प्रकृति के संरक्षण करने का या उसके साथ में उसको समझने का, उसके साथ में संरक्षण करके हम भी कैसे खुद सुखी या आनंदी हो सकते हैं, ये समझाने के लिए कई बार EVS का भी नॉलेज हमारा कई बार कम पड़ता है, और फिर हम लोग सिर्फ UHV की शिक्षा देने से वो काम सॉल्व होने वाला है ऐसा मुझे लगता है। और मैंने फिर मेरे तरफ से एक प्रयास किया, अभी मैंने जो जल दिन था हमारा 23 मार्च, उस दिन मैंने मेरी एक पुस्तक प्रकाशित की, उसका नाम है पर्यावरण मित्र बना, बिकम ए एनवायरमेंट फ्रेंड। तो मैंने उसमें कहीं ऐसे 10-12 आयाम अलग अलग लिखे कि जिसमें हम लोग व्यक्तिगत तौर पे मैं क्या कर सकता हूँ जिसके जरिए मैं मेरे पर्यावरण का मित्र मैं बन सकूँ, तो उसको मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है।
और ऐसे कई प्रयास होने जरूरी है कि जहां हम लोग पर्यावरण के प्रति या हमारा जो एनवायरमेंट एजुकेशन का लिए जो जो हमारे सिलेबस में दिया है उसको भी हम लोग यदि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाए और साथ में हमारी सकारात्मकता का दृष्टिकोण हम लोग कैसे जतन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो हमारा जो UHV की शिक्षा का जो मकसद है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा हो सकता है। जी भैया जी, तो ठीक बात है। तो हमें समझ को आधार में रखकर इस तरह के बहुत सारी योजनाओं पे काम करने की जरूरत पड़ेगी ताकि बच्चों के अंदर सही समझ के साथ सही स्किल्स भी विकसित हो। तो EBS का कोर्स तो अभी है, परंतु अगर हमको वातावरण के साथ अपना संबंध ना दिखाई दे तो कोर्स मात्र रह जाता है। तो अगर हम इस बात को दिखा पाए और देख पाए कि कैसे प्रकृति के साथ हमारी पूरकता बनी हुई है और मेरे सुख समृद्धि पूर्वक जीने में इस बात को समझना जीना अनिवार्य है, सिर्फ आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, नहीं इससे बगैर काम नहीं चलेगा, इससे बगैर काम नहीं चलेगा, तो उसको पूरा भी करेंगे। तो देखिए जितना उपकार इन कोर्सेज के द्वारा हुआ है ना उतना प्रशंसनीय है। उसके आगे जो करने का काम है कि हम इसको बच्चों में समझ को विकसित करके फिर इसको पढ़ाए जी। तो फिर इन कोर्सेज का सदुपयोग ज्यादा अच्छे ढंग से हो पाएगा। सरकार ने ऐसे कई सारे इनिशिएटिव जो लिए हैं वो प्रशंसनीय है, बट उसके साथ में ये भी ध्यान देने की बात है कि बच्चा अगर इस चीज को निष्ठापूर्वक नहीं पूरा कर रहा तो कहाँ कमी पड़ रही है। पहले हम अपने आप में देखें कि EBS का कोर्स भी हम जब पढ़ा रहे हैं तो क्या हम प्रकृति के साथ अपने संबंध को देख पा रहे हैं, ठीक ठीक नहीं देख पा रहे, या हमारे लिए कोर्स मात्र रह गया है। तो फिर पहले तो टीचर्स अपने आप में मूल्यांकन करें कि एनवायरमेंट के साथ अपने संबंध को देख पा रहे कि नहीं, उसके लिए पूरा हो पा रहे कि नहीं, ना तब तो बच्चों में हम पूरकता का भाव भी तैयार कर सकते हैं। जी भैया, यही हमें देखना चाहिए कि अभी मैं भी थोड़ा मेरे कॉलेज महाविद्यालय में प्रयास कर रहा हूँ। हमने वो देवराई वन के लिए एक एरिया संरक्षित कर दिया है और वहाँ पे हर बच्चों से एक एक पेड़ लगवाए, जिसमें हमने करीब करीब 300 पेड़ तो अभी लगवाए हैं, और उसको देवराई वन को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं ताकि एक माहौल बने और महाविद्यालय के सभी पेड़ों के। देखिए पेड़ लगाने कार्यक्रम तो बहुत जगह चल रहे हैं, बट ये भी थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जितने पेड़ हमें लगवाए उसमें कितने पेड़ चल गए, इसका हम ध्यान रखें। हमने वो देवराई वन का जो कंसेप्ट है वो इसी में यह है कि हमने एक बच्चों को एक पेड़ के हिसाब से हमने सारे बच्चों को, वैसे बच्चे काफी थे लेकिन हमने 300 बच्चों को तो अभी उनको बुलाया कि ये सारे पेड़ हमको अभी आपके 4 साल तक आपको संरक्षित रखने हैं, उसके बाद में आगे के स्टूडेंट्स उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए भी फिर बाकी भी महाविद्यालय में हम लोग उसमें किस तरह से उसका इम्पैक्ट आगे बना के रख सकते वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि वो संरक्षण भी हो और पर्यावरण के प्रति भी जो जागरूकता बनती रहे, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी EBS का भी जो पढ़ाने का जो तरीका है उसको थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से किया जाए। जी भैया जी, मैं तो कहूँगा UHV 2 आप क्या पढ़ाया जा रहा है सेकेंड ईयर में? UHV 2 सर अभी नहीं जा रहा है वो, हम तो मैं झगड़ रहे हैं सिलेबस नहीं आना चाहिए उसको, तो अभी तो सिलेबस के नए सिलेबस में शुरू है अभी BOS की मीटिंग्स, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड ईयर में वो UHV 2 आ जाए तो फिर थोड़ा काम हो सकता है। समय कम है प्रवीण जी, देखिए अगर इस कोर्स को आप प्रायोरिटी नहीं देंगे और खाली EBS कोर्सेज को जितना भी इफेक्टिव और प्रैक्टिकल बनाएंगे अल्टीमेटली नहीं होगा। सही सही है ना, तो पहले आप इस पर ध्यान देंगे कैसे इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान UHV के इनपुट्स ठीक से जाए, कैसे सेकंड ईयर में इंडक्शन प्रोग्राम भी ध्यान देंगे हम जी। हाँ अगर उसको नहीं करेंगे ना तो फिर वैसे हो जाता है कि हमने पेड़ लगाए, ठीक पेड़ को बहुत हमने दबाव पूर्वक प्रभाव पूर्वक हमने उसको बना के रखा भी, बट अल्टीमेटली प्रकृति के साथ जो संबंध है वो नहीं समझ में आया बराबर। एक ही दिन में हमने सारे जंगल समाप्त भी कर दिए जो पेड़ लगाए थे, वहाँ कोई कॉलोनी बननी हुई सारे पेड़ हटा दिए हमने जी। नहीं समय हो चला है, तो जो भागीदारी का विज्ञान है इस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग को चर्चा यहाँ रुकनी होगी। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।